और यहाँ पे बच्चों के लिए किब्दा बन रहा है, किब्दा सैंडविच। किब्दा कलेजी को अरबी में किब्दा कहते हैं, मेरे बच्चे इसको किब्दा सैंडविच ही कहते हैं, और मैं इनके लिए किब्दा सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है। आज उन्होंने कहा था कि लंच में किब्दा सैंडविच, और यहाँ बन रहे हैं पराठे। रियान यहाँ बैठा है बंदर की तरह, उठ जाता है। ये लो इधर करो। आज सुमेर की तबीयत ख़राब है और फिर रेहा को आज फिर छोड़ने जाना पड़ा है। रेहा की नींद ख़राब हुई है क्योंकि सुमेर के घर पैर में चोट लग गई थी, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो अब ये है कि उसके पैर में बहुत तकलीफ़ हो रही थी इस वक्त, अब रेहा को छोड़ने जाना पड़ रहा है। घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और मैं अभी बेकरी की तरफ रवाना हो रही हूँ क्योंकि काम के लिए, क्योंकि मतलब कुछ खाना तो पड़ेगा ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लूँगी, खाऊँगी और घर जाके चैन से सो जाऊँगी। भाई मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है और ये मेरा नाश्ता है सुबह का। अब इसको मैं जल्दी से खा ली थी क्योंकि अब मुझे लेके जाना है मम्मा को बिन सफ़ीन, तो अब मैं खाऊंगी और बस ये खाने के बाद आप लोगों को मेरे साथ लेके जाती हूँ बिन सफ़ीन। तो टाटा। वहाँ से मैं बिन सफ़ीन निकल चुकी हूँ, हालात ख़राब है तो मोबाइल अंदर रखती हूँ। बिन सफ़ीन हम लोग आ चुके हैं और भैया का फेस वॉश ले रहे थे, तो हम यहाँ पर सोच रहे थे कौन सा वाला ले वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि शर्म जो आती है सबके सामने बोलने में, तो उठा लो कोई भी फेस वॉश। और यहाँ पे रियान के लिए गमी देखने आए हैं। देखना रियान के लिए गमी, नहीं 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 उसे वो चाहिए गमी मेकर, चाहिए गमी मेकर चाहिए भाई, आइसक्रीम वाला, और मेरे ख्याल से वो गुल प्लाजा में ही मिलेगा। आइसक्रीम वाला है, आ जल्दी आ। चौली चाय वाला लो, चाय वाला बोरा में। हटो पत्ती दे दो। चलो गाड़े की देखना माइनस, गाड़े माइनस देखो रेमा, मिर्चेस की एप्पल जैम मिर्च नहीं अलाउ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पूछ लो परमिशन ले लो मैनेजर, दी निकाल दे दो पैकेट, नेगेट में निकाल दो। आप पीके में आई हो प्रॉपर फिल्टर में, चिकन में प्ले में नहीं, प्ले में मैं प्ले ही लेती हूँ प्ले। हाँ क्या प्राइस है इसका, और इसके क्या प्राइस है, 630 का कौन सा बेस्ट
मैं ये दो निकाल ये मैं ले रही हूँ तुम्हें बना लूँ ना व्लॉग। आपके मैनेजर ने ऑफर दे दी बोल दिया इसके प्राइस नहीं लिखे हुए यहाँ पे 135 भैया उनको जगह दे दो सामने तो चलो क्या चीज है क्या छुट्टी सर अब वो देखना उसके अंदर गार्डलेस माइंस नहीं है ना एंडो भी आ गया आया है क्या जो देख कर वो रखा था देखो डिब्बे रखे हैं बोरे सही तो कह रहे हैं वो डिब्बे रखे जाओ रेमा रमना ने ये कहा था गार्ले सॉस ये गार्ले माइनीस बोली थी ये बड़ा बड़ा ले लो सही है ठीक है सही है अचार देखना मिर्चों वाला अचार नहीं ये मेहरान का मुझे शान का अचार चाहिए शान का अचार है सोचो आम का अचार सोचो लेमन का ले लूँ ये ले लूँ इस दफ़ा है पहले सामने देख लेती हूँ अगर शान का नहीं हुआ तो फिर ले लूँगी यहाँ से ठीक है चलो चिकन पाउडर लेना ये चिकन पाउडर जाओ वो तुम्हारा निकाल रहे हैं जाओ वो निकाल रहे हैं जो भी है देखो जो भी है निकाल रहे हैं ना देख लो बेटा आ रही है छोटी बड़ी अगर लेना है तो ले लो छोटी के प्राइस पता कर लो ना कितने प्राइस क्या है पॉलिश ले लो अपनी बैक वाली पॉलिश बताओ बस चीजें दिखाओ अपना ये ले लो तुम्हारा वो भी नहीं आया रहा ये रहा ले लिए ये थैलियाँ नहीं थैलियाँ चाहिए थैलियाँ मीडियम में दिखाना लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लार्ज दे दी थी ये सही है ना हाँ ये अटेंडी है दूसरा क्या चीज़ इस ओके कितनी है इसके अंदर और कितने की है अभी हम लोग कबाजी आ चुके हैं हमारा कबाजी इससे सैंडविच लेने का दिल था तो हमने आ गए लेने और फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव बहुत सारी शॉपिंग हो गया है चक्कर आ रहे हैं मुझे गाड़ी फुल हो रही है काफी सामान है आगे भी रखा है पीछे भी रखा है हाथ में भी है गोद में भी है कबाजी इसके सैंडविच में लाई थी और बहुत ही मज़े के होते हैं बहुत ज़्यादा मज़े के रेमा का
हम दोनों गए थे तो हम दोनों पिछले लाइन कबाजी के सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं, यू मस्ट ट्राई इट। और साथ में कोल्ड ड्रिंक और ये हम घर आ चुके थे और ये हमारा महीने का सामान है, ये स्नैक्स वगैरह और टिश्यू पेपर बिस्कुट वगैरह। ये मैं बनाऊंगी हैदराबादी पुलाव, जिसको खाना है मेरे घर में आ जाए, फ्री में खिलाऊंगी। ये स्कूल के सारे सामान ही मेरी फेवरेट चीज़ है क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, जो बर्तन धोती है लड़कियों उनको पता रहेगा। और हम कह रहे हैं ये सारा सामान लाए, नगेट्स ऑलमोस्ट सारे स्कूल का सामान है, ये डोमी मेकी लाए और ये आ जाता है घर का सामान, दैट्स ऑल। इसको लेने में पूरे 1 घंटे लग चुके हैं हमारे, बस अब यहाँ पर हम एंड ये फ्रूट लिया, आलू चे हैं, एप्पल्स हैं, बनाना है और कुछ सब्जी ली है, टमाटर लिए हैं और ये अकाउंट है। कहने लगी मम्मा आज आप वो शोरे वाला सारंग गा दे जो रोटी चूर के खाते हैं, तो बस अब जल्दी जल्दी मैं प्याज कट करवा रही हूँ रहमा से, और इसमें बड़ी प्याज अच्छी हो जाती है सॉफ्ट सॉफ्टी, क्योंकि आपको पता है ये शेरे वाला सालन में मैं तो प्याज ग्राइंड करके डालती हूँ। आप लोग किस तरह बनाते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ऐसा बनाती हूँ। और ये कटर बहुत ज़बरदस्त है, इससे बड़ी अच्छी आराम से प्याज कट जाती है। आटा गूंथ रही है और मेरे पास एक सरप्राइज़ है, तो मम्मा ये देखें मैंने आज काम किया थोड़ा बहुत। वाओ जबरदस्त, रिया ने तो मेरे सारे ग्लास ऑर्गेनाइज करके रख दिए और सारे ग्लास चमक गए, उसकी वजह से मेरा हाथ भी कट गया। हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? चलो कोई बात नहीं, हाथ तो सही जाएगा, ग्लास देखो कितने चमक रहे हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे ग्लास। थैंक यू, तुम्हें पेप्सी मिलेगी इनाम में। और गाइस यहाँ पे हमारा यमी सा शेरवा, नमकीन शेरवा बन चुका है, क्योंकि बच्चों की सब तबीयत ख़राब है तो मैंने बगैर मिर्ची का शेरवा बनाया है और बस एक हरी मिर्ची। यहाँ रात के 3 बज रहे हैं और बस भूख लग रही थी, मैं कुरान पढ़ रही थी तो अपने लिए चाय बना ली और थोड़ी सी पेस्ट्री रखी थी तो सोचा क्यों ना पेस्ट्री खा लूं। तो अभी मैं कुरान पढ़ रही थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात शेयर करूं, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना भी सदका होता है। और रियान साहब यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खाते खाते आपसे अच्छी बात की जाए। तो बस आज की अच्छी बात में मैं यही बताऊंगी कि मैं अभी पढ़ रही थी कुरान शरीफ और उसके बाद मैंने अपने घर के चारों कोनों पे या रज़ाकू 10-10 दफ़ा पढ़ के फूंका, और ये मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, काफ़ी साल हो गए, फजर की नमाज़ से पहले या रज़ाकू अल्लाह का नाम है, आप अपने घर के चारों कोनों पर 10-10 दफ़ा पढ़ के ज़रूर फूंका करें। देखिए मुश्किलें तो इंशाल्लाह दूर हो जाती हैं,